कोई ऐसा आदमी उसकी जिंदगी में आए जो उससे मोहब्बत करे, जो पुरखलूस हो और उसके दिल से ये डर जो है वो निकाल दे। सबा और शारिक की शादी, तुम होश में तो हो नफीसा? मैं ये बात अपने पूरे होश और हवास के साथ कर रही हूँ। मैं कसम खा के कह सकती हूँ, मैं उनको मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी और उन्होंने। रिलैक्स, जिंदा है वो। आपा, मैं सबा की वजह से बहुत परेशान रहने लगा हूँ। वो तो आहिस्ता-आहिस्ता पागल होती जा रही है। अल्लाह ना करे करीम, खैर के लफ्ज बोलो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, सब ठीक कर देगा। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। आपा, अल्लाह ताला ने इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण पैदा की है। सबा की जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर हम सबा की शादी करते हैं तो वो नॉर्मल हो सकती है। हमारी सबा ठीक हो सकती है आपा? सौ बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, हम अपनी सबा की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। वो दरअसल आपा, उस साइकेट्रिस्ट का कहना है कि उसकी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ की जाए जो उसके साथ बहुत सिंसेयर हो, जो उसकी जहनी हालत को और उसकी तकलीफ को महसूस कर सके। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम सबा की शादी बोले सबा की शादी शारिक से करते हैं। ये कैसे हो सकता है? सबा की शादी शारिक से? क्यों आपा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं जानता हूं आपा, शारिक आपका इकलौता बेटा है, आपने कितने ख्वाब देखे होंगे उसकी शादी के लिए। लेकिन सबा जैसी बहू लाने का तो आपने नहीं सोचा होगा ना। लेकिन सबा मेरी भी तो इकलौती बेटी है ना, आप मेरी बेटी और आपकी भतीजी की जिंदगी का सवाल है आप। लेकिन करीब, सबा और शारिक की उम्र में बहुत फर्क है, वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता है। देखो, हम सबा की शादी उसके हम उम्र शख्स से भी तो करवा सकते हैं। अब मैं सबा को किसी खैर शख्स के हवाले नहीं कर सकता, सबा को किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुखलिस हो, उसकी ज़हनी हालत को समझता हो और शारिक से ज्यादा सिंसियर, उसके लिए और कौन हो सकता है? लेकिन शारिक नहीं मानेगा इस रिश्ते के लिए, उसने कभी उसे इस नजर से देखा ही नहीं। तो अब देख लेगा, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कजन मैरिजेस में तो ऐसा ही होता है, पहले दोनों एक दूसरे को बहन भाई की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। मुश्किल को समझने की कोशिश करें आप। सबा तो किसी खैर मर्द को अपने पास बर्दाश्त नहीं करती, तो वो तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। शारिक को से डरती नहीं है। प्लीज आप मेरी
मेरी बेटी को आपका शारीक ही नहीं जिंदगी दे सकता आप। प्लीज मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा है। मुझे सबा को अपनी बहू बनाने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन लेकिन मैं इस मामले पर पहले शारिक से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर नवाज जैसे इंसान को अगर भुगत लिया है तो मुझे भी आजमा के देख लें, इतना तो रिस्क आपको लेना ही होगा ना। I'm sorry. I'm really very sorry. मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस शख्स के बगैर एक पल नहीं जिंदगी गुजार सकती, उसके बगैर मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सॉरी मैं आपको ऑलरेडी बहुत परेशान कर चुकी हूँ, अब और नहीं करूंगी। मैं कल यहां से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? कहीं भी। जहां भी जाओगी डॉक्टर नवाज जैसे ही लोग मिलेंगे। मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। औरत के लिए घर से ज्यादा महफूज जगह दुनिया में कोई नहीं होती। मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं अपने हाथ से अपने बच्चे को मौत के हवाले नहीं कर सकती। उसे खोकर जीने से बेहतर है कि मैं खुद को खत्म कर। क्या सोचा आपने आपा? मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा है। मुझे सबा को अपनी बहू बनाने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन लेकिन मैं इस मामले पर पहले शारिक से बात करना चाहती हूँ। आपा, इसमें शारिक से बात करने की क्या जरूरत है? वो आपका फर्मा बरदार बेटा है, आपको तो बस उसे फैसला सुनाने की जरूरत है। वो आपको इनकार नहीं करेगा आपा। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं डालता, लेकिन नफीसा शादी जिंदगी भर का मामला होता है, इसलिए मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों करीम जी? जी आपा, जैसे आपको मुनासिब लगे। तुम फिकर मत करो करीम, अपनी आपा पर भरोसा रखो। सबा जितनी तुम्हें अजीज है मुझे भी उतनी ही अजीज है। मैं भी चाहती हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि
कहाँ जा रही हो? पता नहीं। तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझा। जब कोई मंजिल कोई ठिकाना नहीं है तो फिर सफर का इरादा क्यों? कब तक यूं खानाबदोशों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भागती रहोगी? जिस बच्चे की खातिर तुमने अपने आप को इतनी मुश्किल में डाला है, अगर उसे ही कुछ हो गया तो? तुम्हारी इस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम मजीद कोई एडवेंचर कर सको। तो फिर मैं और क्या करूं? मेरे पास के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ओह गॉड, एक तो तुम्हारे आंसू भी लगता है हर वक्त पलकों पे तैयार रहते हैं बहने के लिए। लाइए, आओ बैठो, जरा कुछ बात करनी है तुमसे। प्लीज। रोना तो बंद कर दें। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती आप यहां पर स्टे कर सकती हैं। उसके बाद अगर कहीं जाना होगा तो मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन कम से कम उस वक्त तक मैं आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकता। डॉक्टर नवाज जैसे इंसान को अगर भुगत लिया है तो मुझे भी आजमा के देख लें। इतना तो रिस्क आपको लेना ही होगा ना। I'm just kidding। जब चारों तरफ कोई अपना ना हो तो गैरों पर ही भरोसा करना पड़ता है। मैं आपका सामान कमरे में रख के आ रहा हूं। सबार, कैसी मेरी बेटी? क्या हुआ, आज फिर मेरी बेटी का मूड ऑफ है? अच्छा चलो, ये लो दूध पी लो। बेटा देखो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया। चलो मेरी प्यारी बेटी, ये लो ये लो ये लो। सबा, क्या देख रही हो? मैं गिर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा, पापा, तुम बताओगे तो नहीं? नहीं, प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब भूला ऐसे कर देना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबा, सबा, लेकिन अम्मा आप तो यहाँ आ रही थी। मुझे तुम
तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है शारिक, और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? मैं इस तरह फोन पर नहीं बता सकती शारिक, तुम जब आओगे तभी बात होगी। मां फिलहाल तो नहीं आ सकता, एक मसले ने यहाँ बहुत उलझा के रखा हुआ है। मसला? कैसा मसला? बस आप यूं समझें कि किसी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए इस वक्त मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। फिर बेटा कब तक आ सकते हो तुम? कुछ कह नहीं सकता, 8-10 दिन तो लग जाएंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भी किसी की जिंदगी का सवाल है बेटा। मेरी अच्छी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। अंदर तुम कितना रो रही थी, अब नहीं रोना, बहुत मजा आएगा, हम खेल रहे हैं ना। ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो इसको यहाँ ऐसे ले आई थी। दूर रहो, मैंने कहा। मुझे कहा दूर रहो, समझे तुम? मैं वैसे ऐसे लेके आई थी, मैं ऐसे नहीं लाऊंगी, मेरे बच्चे देते मुझे। मैंने कहा ना जाओ, अगर तुम ज्यादा करीब आए मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मैंने कहा दूर रहो, तुम तो चुप करो। सबा बेटा क्या हुआ? झूठ बोल रही है मम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसको मार रही थी मम्मा। तुम इसे मार रही थी? इसको मार रही थी। अच्छा, मैं इसको नहीं दूंगी। तुम नहीं दूंगी मैं इसको? से बोलो दूर रहो, मैं इसको मार दूंगी, समझी? इसे मार रही, मार रही थी। हाँ, इसको मार रही थी। मुझे देखते तो उसे चोट लगी, चोट लगी। मैंने इसको बचाया, वो मम्मा से देख, इसको मैंने बचाया। तो तुमने अच्छा किया बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ। किसी को पता था मेरी बेटी उसको? ठीक है मम्मा, इसको जाने को दिया, छोड़ मुझे, उसको मार देगी। क्या हो गया? क्या क्या हो गया? क्या क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्या कौन मारेगा? कौन? मैं उसको मार देगी, सही कह रही हूँ मैं। उसको मुझे यहाँ काम नहीं करना जी, मेरा हिसाब कर दे। करती हो साबरा, वो तुम्हारी लड़की को खा नहीं जाती है। तो उसका भरोसा भी नहीं है, वो पागल है। साबरा, मेरी बेटी पागल नहीं है। बीबी जी, खुद को झूठी तसल्ली मत दे, मेरी बात माने तो उसे भर्ती करा दे। ऐसे लोगों को घर में ही रखा जाता, कल कलाको आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, तुम अपना हिसाब चुकता करो और जल्दी बनो यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी तुम? ठीक है जाती हूँ, मुझे भी ऐसे घर में काम करने का कोई शौक नहीं। भाई बट्टी साफ सुथरा कर दूंगी। कॉफी सर। थैंक यू।
मैडम ने खाना खा लिया? सर मैं खाना लेकर गया था लेकिन मैडम ने इनकार कर दिया। कमरे में है? नहीं सर, लॉन में। सब गंदे हैं पुप्पो, बहुत गंदे। ये जो मेरे हाथ है ना, ये कितने गंदे हैं ना, ये साफ ही नहीं होते। गंदे हैं पुप्पो, बस गंदे हैं। मेरी जान, साफ ही नहीं हो पाते। ऐसा कुछ बहुत गंदे हैं ये। ऐसा नहीं है, बहुत गंदे। बेटा, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बस करते हैं पुप्पो, सब गंदे हैं, यहाँ कोई अच्छा नहीं है। होते हैं मेरी जान, होते हैं, होते हैं। देखो जैसे तुम्हारे पापा, जैसे जैसे मेरा शारिक। शेरी भाई? हाँ, शारिक अच्छा है ना। पापा आप सच कह रही हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। शारिक भाई बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। पर वो कब आएंगे? मैं कितना मिस करती हूँ उन्हें। बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा मेरी जान, बहुत जल्दी। फिर वो जल्दी आ जाएंगे ना। शेरी भाई तो अच्छे हैं। आप कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? इस कंडीशन में मेरे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। रिलैक्स रिलैक्स, डीसी मैं बाद में बना हूं, इससे पहले मैं डॉक्टर था और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि ऐसी कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देनी होती है। मेडिसिन अभी तक भूला नहीं। जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी होता है जोया, जो तुम खाती नहीं। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ख्याल कर लो, और कोई क्या मरेगा, तुम खुद ही उसकी दुश्मन बनी हो। खाना रेडी है, बस मंगवा रहा हूं। खाना तैयार है? जी सर। ऐसा करें कि यहीं ले आए। राइट सर।
क्या हुआ? इसको नीचे रखो ना। May I? सबा बीबी मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुना, मैंने कहा चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ना तो कोई सगी औलाद के नखरे नहीं उठाता जितने करीम ने शारिक के उठाए हैं। आपके ससुराल वालों ने तो आपके शौहर के इंतकाल के बाद पलट के नहीं पूछा। प्लीज अब आप ये ना समझिएगा कि मैं उन एहसानों का बदला मांग रही हूँ। हम तो खुद किस्मत के हाथों मजबूर बैठे। ईटीवी, सारे रंग हमारे।